तो नमस्कार सभी, आप सभी का हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस के यूपीटीटी स्पेशल संस्कृत द्वितीय भाषा संस्कृत में आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान एक आपका महत्वपूर्ण बिंदु है टीटी का संस्कृत भाषा का। हम एक बात और आपसे मित्रों निवेदन करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि एक आपका एक शेयर तो कम से कम 10 मित्रों का आपके 10 मित्रों के लिए सहयोगी प्रतीत होगा। अब हम आते हैं अपने बिंदु पर। आज का बिंदु है हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान है क्या? वर्ण उच्चारण स्थान हमारी जीवा, हमारी जीवा अर्थात रसना मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है बोलते समय, उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग को हमारी जीवा स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे उच्चारण स्थान के विभिन्न भाग हैं, मुख के विभिन्न भाग हैं, जैसे हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये हमारे ये छह जो पांच जो है आपके प्रमुख स्थान है। और एक दो स्थानों को मिला करके कुछ वर्ड बोले जाते हैं, जैसे आपका कंठ और तालु है, कंठ और ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ है, जीवा मूली है और नासिका है। ये हमारे वर्णों के प्रमुख उच्चारण स्थान। जैसे हम देखते हैं सूत्र में आपको बताया गया है कि आपु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु मीन्स आ, कु चु तु तू पु, ये पांच वर्ग आपको बताए गए हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या हमारी जो होती है वो पांच है। तो यहाँ पर कु चु तु तू और पु आपको दिया गया है। ये हमारा क्या है? चु से चावर, कु से कावर, टू आपका टावर, टू से टावर, टू से पावर। ये हमारा क्या है? व्यंजनों का वर्गीकृत वर्ग है, व्यंजन वर्ग है। व्यंजन वर्ग में कु, अब जैसे बात आई हमारी आकु भर विसर्जनीय नाम कंठ, तो आकु का तात्पर्य यह है कि आ, आ कावर और हा, आ कावर और हा और विसर्ज, ये सब किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अब यहां पर हमारा क्या है? आमे आएगा और दीर्घ आ भी आएगा, आमे आ और दीर्घ आ दोनों आता है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आएगा हमारा। कु से क्या हो जाएगा? का, खा, गा, घा और अंगा भी आता है और विसर्ज जो होते हैं तथा विसर्ग, ये सब किससे बोले जाते हैं? ये सब कंठ से बोले जाते हैं। ये सब ये वर्ड जो होते हैं ये वर्ड कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि आपका स्वर है कावर, कावर में हमारे ये पांच वर्ड आते का, खा, गा, घा और अंग। और ये क्या है? विसर्जनीय नाम और विसर्ग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इचु यशा नाम तालु, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु का तात्पर्य क्या है हमारा? ई, इसी प्रकार से ई चावर, चावर का मतलब हो गया चा, छा, जा, झा और इचु यशा नाम ता, इचु चु बस चावर हो गया आपका, या और शा, या और शा, ये ताल से बोले जाते हैं। ठीक,
इक्यूएशन अनुकाल, ये आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें ये संस्कृत द्वितीय भाषा का ये प्रमुख बिंदु है। यहाँ पर वर्णों का उच्चारण था एक क्वेश्चन, एक प्रश्न निश्चित और निश्चित आता है, जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि कंठ से आप कोई भी दे दिया गया कि कंठ से ग का उच्चारण स्थान, ग का उच्चारण स्थान, तो हमें पता होना चाहिए। जब आपको सूत्र पता होगा कि आपको विसर्जन है नाम कंठ, आपको विसर्जन है नाम कंठ का तात्पर्य क्या हो गया, कुवर फाटक कवर, कवर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, क ख ग घ, तो ग कहां आ रहा है, कवर में आ रहा है, कवर में आने के कारण ये कि कौन सा होगा इसको उच्चारण स्थान, कंठ होगा। ठीक, अब आती बात इक्यूएशन अनुकाल, ई चावर या और श, ये किससे बोले जाते हैं, तार से बोले जाते हैं। री टू रसाड़ा अनुकाल, अब बात आई, अब क्या होगा, री री टावर, टावर टावर में क्या आता है, टा ठा टा ठा डा ढा अड, ये सब किससे बोले जाते हैं, ये सब हमारे रा और श, इसके अलावा और कौन सा वर्ण पड़ेगा, रा और ख, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। अगला बिंदु हमारा है कि लेटु लसाड़ा अनुकार, लेटु लसाड़ा, अब हमारा क्या आता है, ली ली टावर, टावर में क्या आएगा, टावर में हमारा आता है त थ द ध और न, त थ द ध न, ता था दा धा और न, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तावर्ग के अंतर्गत आते हैं। और भी क्या बोला जाता है, दंत से और कौन से वर्ण बोले जाते हैं, अब देख ला आएगा और शा आएगा, ला और शा भी किससे बोले जाते हैं, दंत से, दंत से बोले जाते हैं, ये माना है ली तावर्ग, तावर्ग में आपका क्या क्या आता है, ता आता है, था आता है, धा आता है, धा आता है और ना आता है, तो ये तो वर्गीय वर्ण हो गए। उसके बाद ला और शा भी दंत से बोले जाते हैं। अब दंत से तो बोला नहीं जा सकता है, दांत तो कोई है नहीं, तो हमने पहले ही आपको बताया कि दंत से बोले जाने का तात्पर्य यह है कि हमारी रचना अर्थात जीवा क्या करती है, जीवा जब दंत से स्पर्श करती है, क्योंकि तो स्पर्श होता है उच्चारण स्थान में, स्पर्श करती है, कौन स्पर्श करता है, हमारी जीवा स्पर्श करती है, किससे, किससे उस वर्ड को बोला जाता है, जैसे दंत कहा गया तो ली ली बोलते हैं हम, देखो ली बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है वो क्या करती है, मुड़ करके दांत के पास पहुंच जाती है, तो दांत के पास पहुंचने का मतलब वो दांत से स्पर्श कर रही है। ठीक, तो वर्णों का वही उच्चारण स्थान होता है। फिर आती बात उपपदमानी या नामोष्ठो, उपपदमानी या नामोष्ठो का तात्पर्य क्या है, जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं कि आ, ठीक, यहां पर आपका ई भी हो जाएगा, बड़ी भी होगा, अच्छा ध्रस और दीर्घ भी होगा, उपपद मान लिया ना, उ और दीर्घ, पद्मानी पावर, पावर पावर का तात्पर्य क्या हो जाता है, पा फा पा,
ये आपका पावर कहा जाता है। उपु पद्मानी नाम, अब आती है बात पद्मानी क्या है, उपद्मानी है। उपद्मानी कौन से वर्ड होते हैं और उपद्मानी, उपद्मानी कौन से होते हैं, जिन वर्णों में हम अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात प और फ, फफार जिसको हम बोलते हैं, फफार, प और फ के साथ यदि हम उपद्मानी का चिन्ह लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, उपद्मानी हो जाते हैं। जबकि पावर में भी ये आ जाते हैं प और फ, लेकिन उपद्मानी कब होता है कि जब हम अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उपद्मानी हो जाता है। तो ये सब किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक, अब ये तो हमारे मुख्य थे वर्गीय वर्ण थे, वर्गीय वर्ण और स्वरवर्ण थे, वर्गीय वर्ण और स्वरवर्ण थे जो हमारे किससे बोले जाते हैं, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, आ कावर और विसर्ग, ये सब किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इचु यशाणाम ताल, ई चावर या और शा, ये सब किससे बोले जाते हैं, ताल से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टावर और रा और शा, ये सब किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम दंता, दंता में दंत हो गया आपका, ली ली तू में तू, तू आपका टावर हो गया। लसनम ला और शा, ली टावर ला और शा, ये सब किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, उ पावर और उपद्मानी वर्ड जो है वो उपद्मानी, ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता भी है आपसे, पूछा जाता है कि उपद्मानी और जीवा मूली वर्ड कौन कौन से होते हैं, अभी हम आपको स्पष्ट कर देंगे। उपद्मानी वर्ड क्या है, प है और फा है, पफार जिसको हम बोलते हैं। तो पफार कब होता है कि जब हमारे प और फा के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, वे उपद्मानी हो जाते हैं। इधर तो कंठ तालु, इधर तो कंठ तालु, तो कंठ तालु में क्या होगा, कंठ और ताल से बोले जाने वाले वर्ण, कंठ और ताल से, कंठ और ताल से कौन कौन से बोले जाते हैं, ए और आए, ए और आए किससे बोले जाते हैं, कंठ और ताल से बोले जाते हैं। उदौतो कंठ तालु कंठोष्टम, उदौतो कंठोष्टम, ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ और कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। आपका तो भला हो ही रहा है, प्लस
हम एक दो चार दस मित्रों को और भी बता सकते हैं, उनको भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, वो घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे मित्र होते हैं, आपके मित्र होते हैं, जो यहाँ आकर नहीं पढ़ सकते, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, ठीक, तो उनके लिए यह सहयोगी प्रतीत होगा। तो जीवामूली अगला टॉपिक आपका है, जीवामूली यशा जीवामूलम। तो जीवामूली जो वर्ण होते हैं, जीवामूली वर्ण जो होते हैं कखार होते हैं। कखार जैसे हमने पफार पढ़ा था वैसे कखार होते हैं। का और खा में का है हमारा और खा, का और खा में जब हम जीवामूली चिन्ह, फिर वही बातें आती हैं कि जब हम उनके साथ अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं तो वे वर्ण हमारे क्या हो जाते हैं, जीवामूली हो जाते हैं। क्योंकि का का प्रयोग हम वहां कर चुके हैं कंठ में, का और खा का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन वहां का और खा पढ़ते थे या कखार पढ़ते हैं। कखार क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं तो ये वर्ण हमारे जीवामूली हो जाते हैं। फिर आधी बात नासिका अनुस्वार, विसर्ग हम यहाँ पढ़ चुके हैं और अनुस्वार हमारा क्या है, यहाँ है अनुस्वार, नासिका अनुस्वार। तो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार जो होता है वो किससे बोले जाते हैं, नासिका से। अनुस्वार ये है, ये किससे बोला जाएगा, नासिका से। यमम गणनाम नासिका च, यमम गणनाम अर्थात आपने पढ़ा भी होगा, वर्णमाला में हमने बताया भी है कि वर्णमाला का पंचमाक्षर जो होता है, वर्गों का भी आपने पंचम पांचों वर्गों की गणना यहाँ की है, पांचों वर्गों को देखा है। जैसे देखिए अंगा इया अड़ा ना और म, ये हमारे क्या है, पंचमाक्षर है। जब वर्गों की बात आएगी तो हम कंठ तार मूर्धा दंत और ओष्ठ की बात करेंगे, लेकिन यदि पर्टिकुलर बात आएगी, पंचमाक्षर की बात आएगी, जैसे अंगा पूछा गया, जैसे पूछा गया कि रा का उच्चारण स्थान बताइए, रा का उच्चारण स्थान, रा का उच्चारण स्थान, तो रा का उच्चारण स्थान हमको कहां देखना है, किसमें आता है, टवर्ग में आता है, लेकिन मूर्धा यहां पर हम नहीं लगा के आएंगे, क्योंकि रा को व्यक्तिगत पूछ रहा है, तो रा जो होता है पंचमाक्षर जो हमारे होते हैं वो क्या होता है, नासिका से बोले जाते हैं। तो यहां हम नासिका लगा के आएंगे किस सूत्र से, किस सूत्र द्वारा, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य सूत्र द्वारा, नासिका अनुस्वारस्य सूत्र से पंचमाक्षर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अंगा या अड़ा ना और मा, ये सब किससे बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। तो नासिका से हमारा अनुस्वार भी बोला जाता है, पंचमाक्षर भी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार और पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में हमारे क्या आते हैं, वर्णों के पंचम अक्षर आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, प्रत्येक वर्णों का, वर्गों का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपसे वर्ग भी पूछे जा सकते हैं कि चार वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हमें हम अपना सूत्र याद रखना है, इचु यशा नाम तालु, मूर्धा की बात आई, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु रसा नाम दंता, उपपदमानिया नाम ओष्ठ। इस प्रकार से हमें सभी सूत्रों को याद रखना है।